जल संकट, पानी की किल्लत, वाटर स्कैसिटी, वाटर क्राइसिस, ये तस्वीरें हैं दिल्ली की। बढ़ते टेम्परेचर के साथ दिल्ली में पानी की प्रॉब्लम काफी ज्यादा बढ़ गई है। हालात जो है इन वीडियोस में आप देख भी सकते हैं। लेकिन दरअसल ये सिर्फ एक राजधानी या एक देश की प्रॉब्लम नहीं है, पानी की किल्लत एक ग्लोबल प्रॉब्लम है जो दुनिया भर के कई देश झेलते हैं। मेरा नाम है हरीम और आज बात करेंगे ग्लोबल वाटर क्राइसिस की। समझेंगे कि इस क्राइसिस में हम इंसानों का कितना योगदान है, साथ ही ये भी समझेंगे कि वाटर फुटप्रिंट और वाटर स्ट्रेस जैसे कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। ये तो कहने को सिर्फ एक मीम है, लेकिन जो दुनिया भर में पानी के हालात हैं, अगर ऐसे ही रहे तो कहीं सच में हम सब ऐसे ही पानी को तरसने न लग जाएं। इस मुद्दे पर बात ऑब्वियसली दिल्ली में चल रही पानी की किल्लत की वजह से हो रही है, जिस पर पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। लोग जब दिल्ली सरकार से सवाल पूछ रहे तो दिल्ली सरकार बता रही है कि दरअसल हरियाणा जैसे पड़ोसी राज्य जिनको कायदे से दिल्ली को पानी भेजना चाहिए वो सप्लाई कर ही नहीं रहे, तो आम लोगों तक कैसे पहुंचेगा पानी। बहरहाल इस मुद्दे पर डिटेल में आपके लिए एक दूसरा वीडियो शेयर किया जाएगा। लेकिन वाटर क्राइसिस एक ग्लोबल इशू है, ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसकी एक रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया की लगभग 50% पॉपुलेशन यानी कि ऑलमोस्ट 4 बिलियन लोग एक साल में कम से कम एक महीने वाटर शॉर्टेज का सामना करते हैं। इस पानी की किल्लत को ही वाटर स्ट्रेस भी कहते हैं। वाटर स्ट्रेस या पानी का तनाव तब होता है जब पानी की डिमांड एक पर्टिकुलर पीरियड के दौरान पानी की अवेलेबिलिटी से ज्यादा हो जाती है, या जब खराब क्वालिटी की वजह से पानी इस्तेमाल करने लायक ही नहीं होता। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 2025 तक यानी अगले ही साल तक दुनिया के 1.8 बिलियन लोग यानी करीब 180 करोड़ लोग एब्सोल्यूट वाटर स्कैसिटी का सामना कर रहे होंगे। दुनिया के किसी भी हिस्से में पानी की अवेलेबिलिटी किन चीजों पर डिपेंडेंट होती है? पानी की अवेलेबिलिटी बारिश, इवेपोरेशन रेट, जियोलॉजी, बांध या ग्राउंड वाटर को लेकर ह्यूमन मैनेजमेंट पर डिपेंडेंट रहती है, और वक्त के साथ इन चीजों में हो रही डिस्ट्रप्शन से पानी की अवेलेबिलिटी कम होती जा रही है। ये जो वाटर स्ट्रेस है, इससे किसी देश की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ता है? ये GDP से तय होता है, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या आसान भाषा में एक जगह का टोटल आउटपुट। अगर कोई जगह लगातार पानी की किल्लत का सामना कर रही है तो उसके आउटपुट में कमी होनी तय है। देखिए, बेसिक ह्यूमन सर्वाइवल के लिए पानी की जरूरत रहती है, लेकिन इंसान जितना पानी इस्तेमाल कर रहा है वो नेचुरली जो अवेलेबल है उससे कहीं ज्यादा है। पानी की दिक्कत कोई एक दिन या अचानक वाला फिनोमेना नहीं है, ये कई सालों सैकड़ों सालों का नतीजा है। लेकिन सवाल ये कि ये सब हो क्यों रहा है? वाटर फुटप्रिंट, क्या आपको पता है आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है उसको बनाने में 12,760 लीटर पानी का इस्तेमाल हुआ है? जो जीन्स आप पहनते हैं, ऐसी एक पेयर ऑफ कॉटन जीन्स बनाने में 10,850 लीटर पानी यूज होता है। एक जोड़ा लेदर शूज बनाने में 8,000 लीटर पानी लगता है। जो बेडशीट आपके बेड पर बिछी है उसको बनाने में 9,750 लीटर पानी का इस्तेमाल हुआ है। एक कार को बनाने में 52,000 से 83,000 लीटर पानी इस्तेमाल होता है। आपकी नॉर्मल सी कॉटन टी शर्ट भी 2,720 लीटर पानी से बनी है। यहाँ तक कि प्रिंटिंग वाली एक A4 शीट भी करीब 5 लीटर पानी से बनी है। तो जो भी प्रोडक्ट हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, जो खाना खाते हैं, ऐसी हर चीज को बनाने में लार्ज क्वांटिटी में पानी का इस्तेमाल होता है, इसी को वाटर फुटप्रिंट कहते हैं। वाटर फुटप्रिंट एक इंडिकेटर है जो ये बताता है कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में कितना फ्रेश वाटर इस्तेमाल हुआ है। फ्रेश वाटर यानी वो पानी जो नेचुरल रिसोर्सेज से मिलता है, जैसे कि नदी, लेक्स, वाटरफॉल वगैरह। और यही फ्रेश वाटर एक लिमिटेड रिसोर्स है जो तेजी से दुनिया से खत्म हो रहा है। एज पर रिपोर्ट्स, अगर दुनिया भर के सारे प्रोडक्ट्स की बात करें तो एक साल का ग्लोबल वाटर फुटप्रिंट करीब 9 ट्रिलियन टन है। इसको ऐसे समझिए कि दुनिया भर में एक सेकंड में 3 लाख टन पानी खत्म हो जाता है। UN की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 2 बिलियन लोगों को पीने का साफ पानी मुहैया नहीं है, और इधर एक आम सा प्रोडक्ट बनने में हजारों लीटर पानी यूं ही चला जाता है।
इसमें ये भी देखा गया है कि जो रिच कंट्रीज हैं, जो रिच सोसाइटीज हैं, वो ज्यादा पानी का इस्तेमाल करती हैं एज कम्पेयर टू लेस डेवलप्ड कंट्रीज या फिर एज कम्पेयर टू द पुअरर लॉट ऑफ द कंट्री। एज पर रिपोर्ट 2050 तक ग्लोबल वाटर फुटप्रिंट साल 2000 के कंपैरिजन में 130% ज्यादा हो जाएगा। यानी अगर हमें पानी बचाना है तो सिर्फ घर का नल बंद करने से काम नहीं चलेगा, हमें रोजमर्रा में इस्तेमाल हो रहे प्रोडक्ट्स पर भी थोड़ा कंट्रोल करना होगा, क्योंकि ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज पानी की किल्लत का एक बड़ा रीजन है। इसकी अवेयरनेस के लिए एक तरीका ये है कि जैसे खाने के प्रोडक्ट पर न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, क्या हर प्रोडक्ट पर उसका वाटर फुटप्रिंट भी होना चाहिए? वी कैन थिंक अबाउट इट। तो ग्लोबल वाटर क्राइसिस, क्लाइमेट चेंज, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और बढ़ते पोल्यूशन की वजह से बढ़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं नेचुरल रिसोर्सेज के साथ खिलवाड़ या जरूरत से ज्यादा ह्यूमन इंटरवेंशन ही इसकी मेन वजह है। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट में बताएं और स्विच को सब्सक्राइब करते जाएं।